हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम झौरी और आप देख रहे हैं प्रॉफिट पल्स। स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे चैनल में। मैं बात करता हूँ आज आपसे सुजलॉन एनर्जी के शेयर को लेके, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब भाई चर्चा में क्यों ना हो, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, आपको पता ही होगा कि कितना बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी जो इम्पैक्ट है उस शेयर पर पड़ने लगा है। कितनी बड़ी जो इसने ज़बरदस्त ग्रोथ करी है, अगर एक ही दिन की बात कर लें, अगर 10 सेप्टेम्बर की, तो उसने जो रिटर्न दे दिया वो एक ही दिन में 5% का रिटर्न दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने, जैसे आपने देखा होगा बैनर में लिखा हुआ था कि 10 अक्टूबर इसके लिए क्यों खास रहने वाला है, और क्या इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं, क्या इसका सपोर्ट लेवल रहेगा, क्या इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, क्या इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ इसके ऑर्डर बुक की, अगर ऑर्डर की बात करूँ तो देखिए, जो अभी हाल ही में 9 सितंबर को जो उसको एनटीपीसी से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसकी मैं बात करूं तो देखिए, सुजलॉन एनर्जी को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से 1166 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी हाइब्रिड लेटेस्ट ट्यूब्यूलर से एचएलटी टावर से लैस 3.15 मेगावाट की क्षमता वाले S144 के 370 विंड टर्बाइन जनरेटर लगाएगी। ये जनरेटर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के 2 प्रोजेक्ट और इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 1 प्रोजेक्ट के तहत लगाए जाएंगे। सुजलॉन एनर्जी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। और इसे मिलाकर 3 सितंबर, देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसे मिलाकर 3 सितंबर तक कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना वो 5 गीगावाट के करीब पहुंच गया है। तो यहां से एक जो ये आप ऑर्डर बुक की बात देखते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इसमें निवेश करने की सोच रहा है तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि 3 सितंबर तक जो है इसका ऑर्डर बुक 5 गीगावाट का है पहुंच चुका है, जो इसकी ऑर्डर बुक है। क्योंकि सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुँचना, और इसी सेक्टर में ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ही काम कर रही है, तो ये इसको महारत्न हासिल है इस कंपनी को। तो आप यहाँ से ये मान सकते हैं कि इसकी ग्रोथ का अंदाज़ा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा दोस्तों, आपकी इसकी ग्रोथ का, जो कंपनी की ग्रोथ का अंदाज़ा है ना, वो आप इसकी इसी पॉइंट से लगा सकते हैं। चलिए बिना दिल लगाए हुए इसके थोड़ा टेक्निकल पे चर्चा कर लेते हैं। अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें ना, तो देखिए जो वन डे में इसने रिटर्न दिया है वो रिटर्न दिया है इसने 5% का, और वहीं अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में जो इसने रिटर्न दिया है वो 4.85 का, 1 मंथ में जो रिटर्न दिया है वो लॉस में दिया है वो 2.87 का, और वहीं अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ्स में इसने जो दिया है वो 98% का, और वहीं अगर 1 ईयर की बात कर लें तो 1 ईयर में इसका प्रॉफिट मल्टीवेगर जो बन के दिखाया है इसने वो 225% का इसने जो है एक ज़बरदस्त मल्टीवेगर रिटर्न दिया है। तो ये अगर इसकी सपोर्ट लेवल की बात करें तो देखिए, वन डे में जो सपोर्ट लेवल लिया ना जिसने, वो लिया 78 के आसपास जो है ये सपोर्ट लेवल लिया रहा आज, जो आज ही क्लोज हुआ 78 रुपये पे। तो इसने जो आज सपोर्ट लेवल लिया वो 78 रहा। अगर पिछले 5 दिन की अगर बात करें तो देखिए, 5 दिन की अगर बात करें तो 5 दिन में इसने जो सपोर्ट लेवल लिया हुआ था वो लेवल लिया हुआ था यहाँ पर 74 रुपये पे आसपास। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं, अगर ये ब्रेक करता है अब 78 रुपये के जो सपोर्ट लेवल को, अगर ये 78 रुपये के सपोर्ट लेवल को आप अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है, तो अगला जो आपका जो लेवल हो सकता है वो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से ये 84-85 के आसपास का लेवल आपको नया दिख सकता है। और अगर यही अगर 85 और 84 के मतलब के आसपास को भी ब्रेक करता है, तो अगला लेवल आपका 100 के आसपास या 95 या 100 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर वहीं अगर इसके बात करें कि अगर ये फिर से 74 के आसपास आपको देखने को आगे मिलता है, तो ये आपको फिर जो एक लेवल नीचे लाएगा वो लाएगा कम से कम 67, नीचे का जो लेवल लाएगा वो 67 रुपीज़ के आसपास का लेके आएगा। तो यहाँ आपको ये कह सकते हैं कि 67 में जो शेयर नहीं परचेज कर रहे हैं उनके माइंड में ये भी ख्याल है कि क्या पता शेयर ये थोड़ा सा डाउन आए तो हम इसमें एक परचेज हमारी एंट्री बने। चलिए वो तो बहरहाल लोगों की खुद अपनी सोच है, उसको हम थोड़ा सा अभी बाद में उसमें चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अगर इसके वीडियो पर देखें उसमें, तो देखिए सबसे पहले अगर इसमें एनालाइज में जाएं तो देखिए, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट
मतलब जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। क्वार्टर रिपोर्ट की अगर बात कर लें तो देखिए क्वार्टर रिपोर्ट की अगर इसकी सेल की बात करें तो सेल जो हो चुकी है वो इसकी 2022 करोड़ हो चुकी है, और वहीं अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पहले से बड़ा है जो कि 370 करोड़ हो चुका है, और वहीं अगर इसके बात करें प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर देखें तो ये देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है 10 ईयर्स में -11 खास नहीं, 5 ईयर्स में 5%, 3 ईयर्स में 25%, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 3 ईयर्स में 25% से ग्रोथ हुई है सेल्स में। वहीं अगर इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर देखें तो ये देखिए आप 10 ईयर्स में 8%, 5 ईयर्स में 20% और 3 ईयर्स में 45%, तो ये भी ये कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ देखने को मिली। वहीं अगर इसकी बैलेंस शीट पे थोड़ी सी निगाह डाल लें तो देखिए इक्विटी कैपिटल इसकी जो है वो 2722 करोड़, और वहीं अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व देखिए आप जो पहले माइनस में थे, अब ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, देखिए 1355 करोड़ थे 2023 में, जो कि 2024 में 1199 करोड़ जो है इसके वो रिजर्व एंड सरप्लस हो चुके हैं, कहाँ माइनस में थे कहाँ प्लस, तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा नोट करने वाली बात है। वहीं अगर इसके बोरोइंग्स इसके ऊपर कंपनी की उधारी की अगर बात करें तो कंपनी की उधारी मात्र 150 करोड़ की रह चुकी है, जो कंपनी कभी भी ख़त्म कर सकती है। कभी भी आपको नया अपडेट मिल सकता है कि कंपनी की जो उधारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल निल हो चुकी है, बिल्कुल शून्य हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लस पॉइंट है। वहीं अगर इसकी बात करें इन्वेस्टर्स की अगर देखें तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग है ना वो पहले से इंक्रीज हुई है, ये देखिए प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग है ना वो पहले से इंक्रीज हुई है, ये देखिए 13.26% पहुंच चुकी है। और वहीं अगर FIS की देखें तो FIS की क्या जबरदस्त होल्डिंग जो इसकी इंक्रीज हुई है वो देखिए 21.53% पहुंच चुकी है। वहीं DIS की अगर देखें तो DIS की भी पहले से बढ़ी है जो कि अब 9.16% पहुंच चुकी है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि देखिए ये अगर आपको शेयर कहीं नीचे दिखता है ना तो हो सकता है कि ये भी संकेत हो कि पब्लिक जो होल्डिंग है इसकी वो उसकी कम करी जाए, यहाँ से रिटेलर जो ने स्टॉक जो परचेस कर रखा है उनकी छुट्टी यहाँ से की जाए कि भाई उनको यहाँ से ये माहौल दिखा के ऐसा माहौल क्रिएट करके जैसे मतलब जैसे एक रिपोर्ट आई और जैसे कोई और नया ऑर्डर मिलता है और शेयर आपको भागता हुआ थोड़ा नजर नहीं आता है, ग्रोथ नहीं दिखती है, तो हो सकता है यहाँ से एक एक ऐसा वो बनाए। ये ऐसा सिर्फ मेरा मानना है, ऐसा सिर्फ मुझे लगता है कि हो सकता है उनकी जो है पब्लिक होल्डिंग जो है इसकी वो थोड़ी कम करी जाए, जैसे अभी 56 चल रही है तो हो सकता है इसको थोड़ा सा कम किया जाए, तो ये ऐसा हो सकता है आगे। तो कब फ्रेश एंट्री लेनी है ये तो सिर्फ आपको तय करना है। बात कर लेते हैं एक नई चीज़ डॉक्यूमेंट्स में अगर देखें तो इसकी एक रिपोर्ट आई थी, ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा था 10 अक्टूबर क्यों खास रहने वाली है, तो 10 अक्टूबर क्यों खास रहने वाली है अगर उसकी हम चर्चा करें तो यहाँ से देखिए आपको देखने को मिलेगी। ये आपको देखने को मिलेगी, देखिए जो इसके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, देखिए जैसे बहुत बड़ी चीज है ये देख सकते हैं आप, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ इसकी मीटिंग है जो कि 10 अक्टूबर 2024 को 2 बजे होगी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ जो होगी वो भी 10 अक्टूबर को 3 बजे जो होगी वो ये मीटिंग स्टार्ट होगी। तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी खबर है क्योंकि 10 अक्टूबर को आपको यहाँ पर निगाह बना सकते हैं कि क्या इसमें क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिल सकती है। देखिए अभी कहना मुश्किल है कि इस मीटिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो जब मीटिंग होगी ये तभी पता चल सकता है, मगर तब तक आपको इस पर निगाह बनानी चाहिए। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं, देखिए मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, देखिए शेयर जो अभी चल रहा है ना ये 78 रुपये 5 पैसे बंद हुआ है। अगर इसकी RSI की बात कर लें तो देखिए RSI इसका जो चल रहा है वो 60 के आसपास चल रहा है, तो ये एक मिड रेंज है, ओवरबोट अभी नहीं आया है और ये 60 जो है RSI इसकी वो मिड रेंज है। तो यहाँ अब क्या फ्रेश एंट्री लेनी है ये तो सिर्फ आपको तय करना है। ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस शेयर को आप परचेज करें या सेल करें,
ये सिर्फ सिर्फ आपको तय करना होता है। प्रॉफिट पल्स कभी किसी भी शेयर को खरीद या बिक्री से कभी कोई ताल्लुक नहीं रखता, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं रखता। कभी भी शेयर मार्केट में देखिए, हमेशा शेयर मार्केट में रिस्क बना रहता है, तो रिस्क के साथ ये सिर्फ अपनी सूझबूझ, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। तो वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इसके जवाब में आपको कुछ कोई कमेंट करना है, कोई आपको क्या लगता है इसके कि अब इसका टारगेट नया क्या हो सकता है, या आपने कब इसको होल्ड किया था, कब इसने आपको कब कितना टाइम हो गया आपको उसको होल्ड करे हुए, तो ये सारी बातें आप मुझसे प्लीज़ कमेंट में कर सकते हैं। और कोई नई वीडियो आपको नए शेयर के बारे में अपडेट चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में ज़रूर बोलें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।